वेलकम फ्रेंड, कैसे हो? देखो दोस्तों, वीडियो काफ़ी दिन लेट बात आ रहा है, शायद आपको रीज़न पता ही चल गया बैकग्राउंड देखकर, क्योंकि मेरा एक नया घर पर थोड़ा बिजी था। दोस्तों आज का वीडियो का टॉपिक काफ़ी अलग है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे एक फिजिकल UPI QR कोड मिलेगा बिल्कुल फ्री। इसके लिए ना आपको शिपिंग चार्ज पे करना पड़ेगा, ना आपको प्रिंटिंग चार्ज पे करना पड़ेगा। आपका होम एड्रेस पर एक फिजिकल UPI QR कोड जिसमें आपका बैंक लिंक रहेगा। दोस्तों कैसे क्या करना है मैंने सारे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, सिर्फ ये वीडियो को इन तक देखो, समझो, देन जाकर अप्लाई करो। दोस्तों देखो, मैं आपको बता देता हूँ कि एक फिजिकल UPI QR कोड आपको किस किस काम में आएगा। देखो आपको पता ही है कि अमेजोन पर डेली UPI QR कोड स्कैन करके अगर आपने पे करोगे ना, तो आपको डेली अप टू 100 रुपीज तक कैशबैक मिल सकते हैं। तो इस तरह का बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसमें आपको UPI QR कोड स्कैन करके कैशबैक मिलते हैं। बात दोस्तों ऐसा एप्लीकेशन पर जैसे अमेजॉन, पेटीएम और भी जो भी एप्लीकेशन है ना, गैलरी से आपको UPI QR कोड को स्कैन करने का ऑप्शन नहीं मिलते। तो अगर आपके पास एक फिजिकल UPI QR कोड है तो आपने इजीली ये ऑफर को अपील कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लेने चाहते हो एक फिजिकल UPI QR कोड बिल्कुल फ्री, तो दोस्तों ये वीडियो को आपको पूरा देखना जरूरी है। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले प्ले स्टोर में जाओ। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको करना के खाता बुक एप्लीकेशन सर्च करो। आपने खाता बुक जैसे सर्च करोगे ना, देखो इस तरह के एप्लीकेशन आ जाएगा, इसी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। दोस्तों डाउनलोड करने के बाद इस पर आपको करना कि अपना कोई भी मोबाइल नंबर डाल दो। मोबाइल नंबर डालने के बाद एक 6 डिजिट का OTP आएगा, OTP वेरीफाई कर लो। OTP वेरीफाई करने के बाद दोस्तों इस पर आपको करना क्या पड़ेगा, आपका शॉप नेम पूछा जाएगा, कोई भी नाम आपने डाल सकते हो। शॉप नेम डालने के बाद दोस्तों इस बार आपको करना क्या पड़ेगा, आपको देखो तुरंत होम पेज पर चला जाएगा। होम पेज पर देखो दो ऑप्शन है, एक मोर, मोर पर टैप कीजिए। मोर पर टैप करने के बाद देखो उसमें एक ऑप्शन रहेगा QR कोड। अगर आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो दोस्तों फिर बैक प्रेस करके आपने दोबारा उसी पेज में जाओ, मतलब मोर ऑप्शन पर टैप करो। देखो दोस्तों इस बार आपको QR कोड को ऑप्शन दिखाएगा, QR कोड ऑप्शन पर टैप करो। आपने QR कोड ऑप्शन पर जैसे ही टैप करोगे ना, इस बार दोस्तों आपको करना कि अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल दो। फिर दोस्तों IFSC कोड डालना पड़ेगा, आपने पेटीएम बैंक डिटेल्स भी डाल सकते हो, समझ रहे हो ना। तो अपना कोई भी बैंक डिटेल्स डाल दो। फिर दोस्तों इस पर आपको करने के KYC करना पड़ेगा। KYC आपने पैन कार्ड के थ्रू कर सकते हो, तो अपना पैन कार्ड नंबर डाल दो। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद एक OTP आएगा, OTP वेरीफाई करो। देखो दोस्तों अगर आपको नीचे वेरीफाई ऑप्शन नहीं आ रहा है तो दोस्तों थोड़ा वेट करो। तो जब तक वेरीफाई ऑप्शन नहीं आ रहा है तब तक वेट कीजिए। जैसे ही आपको वेरीफाई ऑप्शन आएगा ना, वेरीफाई ऑप्शन पर टैप करो। आपने वेरीफाई ऑप्शन पर जैसे ही टैप करोगे ना, देखो आपको तुरंत एक नोटिफिकेशन आएगा कि योर KYC अप्रूव। तो जैसे ही आपको इस तरह का नोटिफिकेशन आ जाएगा कि योर KYC अप्रूव, तब आपको करने के खाता को एप्लीकेशन को क्लोज करके दोबारा ओपन करो। ओपन करने के बाद दोस्तों इस बार आपने फिर QR कोड ऑप्शन में जाओ। देखो नीचे एक ऑप्शन आ रहा है कि ऑर्डर, ऑर्डर पर टैप करो। देखो उसमें लिखा है कि गेट फिजिकल UPI QR कोड फ्री। तो इसके लिए आपको कोई चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा, आपको बिल्कुल एक फिजिकल UPI QR कोड फ्री मिलेगा। तो ऑर्डर पर टैप करने के बाद अपना होम एड्रेस डाल दो, पिन कोड वगैरह। एड्रेस डालने के बाद ऑर्डर कर दीजिए। ऑर्डर करने के बाद ऑर्डर कन्फर्म हो जाएगा 4 से 5 दिन के अंदर कुरियर के थ्रू, जैसे डिलीवरी या ईकॉम एक्सप्रेस, इस तरह का जो भी कुरियर होते हैं ना, ये कुरियर के थ्रू आपको बिल्कुल एक फिजिकल UPI QR कोड फ्री में मिल जाएगा, जैसे मुझे भी मिल गया था 3 दिन के अंदर। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करके बता देना। मिलती है अगले वीडियो पर नया टॉपिक, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहो।